और जिस तरीके से देखिए अब चेहरा, एक चेहरा आखिर कौन होगा? आपने मोर्चा तो बना लिया लेकिन चेहरे पर क्या अभी तय नहीं कर पाया है ये गठबंधन, एक नाम इसी को लेकर शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुने तो उनका बयान तो ये कह रहा है, ये बता रहा है कि जैसे आप लोगों ने तो तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा इस मोर्चे का। बड़ा पुराना गाना था, आपको याद होगा कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। आप लोग चेहरे पे जितना झगड़ा करा लीजिए, पानी में लाठी कितनी मान लीजिए, पानी में लाठी से पानी अलग नहीं होगा। हम लोगों का इंडिया गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से एक है और हम बहुत स्पष्ट रूप से एक मत पे हैं कि मोदी वर्सेस मुद्दे चुनाव है। जब चेहरे की बात आएगी, संसदीय लोकतंत्र है, हमारे सांसद चुनेंगे जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा, जो व्यक्ति वो सांसद चुन लेंगे। हर क्या नाम पार्टी में प्रधानमंत्री पद के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जेडीयू में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एमके स्टालिन साहब डीएमके में हैं, क्या नाम अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी में, ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो अपनी टीएमसी में हैं, शरद पवार साहब हैं नेशनल क्या नाम एनसीपी में। तो ये ऐसे हमारे यहाँ चेहरे की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ अहंकार के खिलाफ अहंकार से नहीं लड़ा जा चेहरे सकता। की अगर लड़ाई नहीं है तो फिर ये दावेदारी को लेकर ये बयानबाजी क्यों फिर सुरेंद्र जी? अशोक गहलोत ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि वो पीएम पद के दावेदार हैं, पीएम पद के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने कहा है। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? मेरे लिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, तो मेरे लिए श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दो उम्मीदवार हैं। जो जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता है उसके लिए श्री नीतीश कुमार जी हैं। आपको दिक्कत क्या है इसमें? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बात बताऊं, आपसे एक बार पूछिए एक बार नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों से, तो क्या वो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दावेदार है उनके यहाँ प्रधानमंत्री पद का? वो मना कर देंगे, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है। हमारे पास हिम्मत है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और संसदीय लोकतंत्र को मानते हैं। वो लोग यही तो करना चाह रहे हैं, उसको उन मीडिया के साथी और भारतीय जनता पार्टी, उनके ट्रैप में इंडिया का गठबंधन नहीं फंसने वाला। जनता के मुद्दों पर हम लड़ाई, आइए बात करिए ना। इंडिया के गठबंधन को कोई फंसाने की बात यहाँ हो भी नहीं रही है, लेकिन चेहरे की बात इसीलिए आ जाती है ना यहाँ पर सुरेंद्र जी, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से वो बयानबाजी होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।